एक ऐसी सियासी जंग जिसको जीतना लोग नामुमकिन समझ रहे थे, एक ऐसी मंजिल जिसकी राह काफी मुश्किल थी। वक्त के सियासी माहिरीन ने कहा था, बच्चे का मुकाबला शेर से है। फिर उस नौजवान ने अपनी हिम्मत और अज़्म को टूटने नहीं दिया और अपने हौसले बुलंद कर मैदान में डटकर खड़े रहे। जब भी रियासते आंध्र प्रदेश की तारीख लिखी जाएगी, लोग हल्के चंद्रान गुट्टे के 1999 के इलेक्शन को हमेशा याद रखेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक और तेज तर्रार मुखर्रिर, जिसकी तकारीर नौजवानों में जोश और ऑपोजिशन खैमों में खौफ पैदा कर देती है। जब वो नारे तकबीर की आवाज बुलंद करते हैं तो सामने खड़े हजारों लोग फिजा में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी की, जिनकी पैदाइश 14 जून 1970 में शहर हैदराबाद में हुई। मरहूम सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के आप मंझले बेटे हैं। आपके दो भाई और एक बहन हैं। आपके वालिद के इंतकाल के बाद आपने अपने बड़े भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जमात का सदर माना और हर महाज में अपने बड़े भाई के साथ शाना बाशाना खड़े रहे। बाप दाखिल भाई, मेरे बाप का मुकाम देता हूँ मैं अपने भाई को। मेरा अमीर है मेरा भाई, मेरी जान है मेरा भाई, मेरी शान है मेरा भाई, मेरी इज्जत है मेरा भाई, मेरी आवाज है मेरा सदर, मेरी ताकत है मेरा सदर। अरे मर जाएगा अकबरुद्दीन ओवैसी, गुमनामी की जिंदगी गुजार लेगा, जंगलों में चले जाएगा। खुदा की कसम, कभी भी मंजलिस या अपने भाई के खिलाफ, अपने सदर के किसी भी फैसले के खिलाफ नहीं जा। ये कहे की जिंदगी, ये कहे का इख्तदार, ये कहे की ताकत, ये कहे की दौलत, मेरी ड्यूटी की नोट पर इख्तदार, मेरे सर की पगड़ी और मेरे सर की शान का नाम मेरा भाई, मेरा सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। 1999 में चंद्रान गुट्टे की जीत से अकबरुद्दीन ओवैसी के सियासी सफर का आगाज हुआ। सियासी मैदान में कमजोर पड़ चुकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक नए सिरे से आगाज हुआ। आपकी जीत से सालारे मिल्लत के हौसले और बुलंद हो गए। फिर दोनों भाई अपने वालिद के जेरे निगरानी में शहर के गली गली नुक्कड़ मोहल्ले जाते और लोगों से मुलाकात करते और सियासी मैदान में कौमो मिल्लत की आवाज की अहमियत बताते। फिर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत और अकबरुद्दीन ओवैसी की शोला बयानी से मजलिस परवान चढ़ने लगी। सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी की सेहत साथ ना देने की वजह से उन्होंने अपनी जगह अपने बड़े बेटे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी सौंपी। जब दूसरी बार अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के चंद्रान गुट्टे से कामयाबी हासिल की, आपके कंधों पे ना सिर्फ चंद्रान गुट्टा बल्कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के अकलियतों की जिम्मेदारी दी गई और आपको जमात की जानिब से फ्लोर लीडर बना दिया गया और आप आवाम के मसाइल को बेबाकी से उठाते रहे। सीएम वाईएस राजशेखर रेड्डी के दौर में अकबरुद्दीन ओवैसी चाहते थे कि मुसलमानों को सरकारी नौकरियां हासिल हो और ये बेचैनी अकबरुद्दीन ओवैसी में बढ़ती जा रही थी। और फिर असेंबली में माइनॉरिटीज की रिजर्वेशन की आवाज उठाने लगे। हुक्मरानों की जानिब से आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी रुकने वाले नहीं थे। हर महाज में आपने जद्दोजहद जारी रखी और फिर आपकी क़यादत में वो कारनामा अंजाम हो पाया जो हिंदुस्तान की किसी रियासत में ना हुआ। और फिर अकबरुद्दीन ओवैसी 4% रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में लाने में कामयाब हुए।
सीएम राजशेखर रेड्डी के दौर में शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में पेश आए वाकये पर इत्तेजाद करने वाले कई सारे नौजवान शहीद हुए। इस वाकये की मजम्मत करने आए उस वक्त के होम मिनिस्टर को अकबरुद्दीन ओवैसी ने जारहाना अंदाज में उनको घेराव किया और उन्हें वहां से वापस रवाना किया। उस वक्त के सीएम किरण कुमार रेड्डी की आंख में आंख डालकर इस वाकये की सख्त मजम्मत की, जिस पर खुद किरण कुमार रेड्डी ने इस गलती को कबूल करते हुए ऐवान में आवाम से माफी मांगी और शहीद होने वाले मुसलमानों को मुआवजा भी दिया। सियासी साजिशों का ऐसा शिकार बने अकबरुद्दीन ओवैसी के एक वक्त मौत के मुंह में जा खड़े हुए और उस वाकये से ना सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि पूरे रियासत में गम की लहर दौड़ गई। सारे आलम के लोग अपने महबूब कायद अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए अपने रब के सामने सजदा रेस होकर उनके हयात के लिए दुआ मांगी और अकबरुद्दीन ओवैसी आज आपके दरमियान में है। मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं तो कई सर अल्लाह की बारगाह में झुक गए, अल्लाह की बारगाह में अपने आंसुओं के नजराने पेश करने लगे। सारे आलम के मुसलमानों ने इस गुनहगार के लिए दुआ की, अरे मैं कैसे एहसान अदा करूंगा इन मुसलमानों का, मैं एहसान नहीं कर अदा कर सकता। मेरा रुआ रुआ, मेरा जिस्म का एक खतरा खतरा खून एहसान मन है मुसलमाना ने आलम का जिसने मेरे हयात के लिए दुआ की, मैं एहसान अदा नहीं कर सकता। ऐ सरजमीन दखन के मुसलमानों, तुमने तो मुझे खरीद लिया, आज अकबर ओवैसी की एक एक सांस तुम्हारे एहसान तले दबी है। जब तक जिंदा हूं जितनी हयात है वो तुम्हारे नाम है, तुम्हारे लिए है और तुम्हारे ही लिए। शरंगेज तकारीर को सुनते सुनते अकबरुद्दीन ओवैसी ने इनको मुंह तोड़ जवाब देने की ठान ली और आपकी एक तकरीर ने सारे फिरका परस्त ताकतों के पसीने छुड़वा दिए। आपकी सेहत खराब होने के बावजूद भी आपको 40 दिन तक जेल की सोबत बर्दाश्त करनी पड़ी। अकबरुद्दीन ओवैसी की सोच यही नहीं रुकी, आप चाहते थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र की असेंबली में भी उठे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस ने वहां के बल्दिया इलेक्शन में हिस्सा लिया और इलेक्शन से चंद रोज पहले अकबरुद्दीन ओवैसी भी मैदान में उतरे और लोग उनकी दिलकश तकरीरों से मुतासिर हुए और फिर जब नतीजे आए सारे ऑपोजिशन खेमे मजलिस की जीत से चौंक गए और 11 म्युनिसिपल सीटों में मजलिस ने महाराष्ट्र में अपनी सियासी सफर की शुरुआत की। फिर देखते देखते मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 रुकने असेंबली और 1 रुकने पार्लियामान बनाने में कामयाब हुई। गंगा जमुनी
पूरी दुनिया में पहली कोविड-19 की वबा ने हर किसी को परेशान हाल कर दिया था। रोज कमाकर खाने वालों को तो दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही थी। इस मुश्किल हालात में ना सिर्फ अपने हलके चंद्रान गुट्टा बल्कि अतराफ के कई इलाके में अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई लॉरी से भरे राशन किट्स को बेहतरीन पैकिंग कराकर तकरीबन 11 करोड़ अपनी जाती खर्चे पर जरूरतमंद खानदानों तक पहुंचाया। फिर रमजान के महीने के दौरान आपके जेरे निगरानी में 1 लाख से ज्यादा खाने के पैकेट्स डोर टू डोर घरों तक पहुंचाए। यही नहीं बल्कि अपने हलके में रमजान के दौरान तरावी पढ़ाने से महरूम हो चुके तकरीबन 250 मौजन और हुफाज़े क्राम तक 1500 रुपए और राशन की किट की तकसीम भी की और साथ ही साथ दीनी मदरसों तक राशन भी पहुंचाया। फिर जब दूसरा लॉकडाउन उरूज पर था, आवाम को आपने तन्हा नहीं छोड़ते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने तकरीबन 1,50,000 खाने के पैकेट्स और सांस लेने की मुश्किलात से गुजर रहे लोगों में 20 लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर्स की तकसीम अमल में लाई। पहले और दूसरे लॉकडाउन से लोगों की हालत अभी संभली ही नहीं थी कि हैदराबाद में तूफानी बारिश से सैलाब आया और तालाबों के कट्टे टूटने की वजह से हलके चंद्रान गुट्टे के कई इलाके इस बाढ़ के पानी से मुतासिर हुए। फिर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने साथियों के साथ इन इलाकों के दौरे शुरू किए। सैलाब से मुतासिर 5,000 अफराद खानदान में दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करने के लिए 33 जरूरी अशिया के किट्स तकसीम किए। ऑटो ड्राइवर्स, ओला उबेर ड्राइवर्स, मोटरसाइकिल्स और कारें जुमला 121 लोगों की खराब हो गई थी, उनमें 20 लाख की इमदाद की गई। 800 वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी जो खराब हो गए थे उनको दोबारा मरम्मत कराया गया। छोटे किराना शॉप्स जो मुतासिर हुए थे उनको भी जरूरी मदद पहुंचाई गई। सैलाब के दूसरे दिन ही 8,000 अफराद खानदानों में दूध, ब्रेड और मिनरल वाटर फराहम किया गया। यानी इस बुरे वक्त में लोगों को तन्हा ना छोड़ते हुए और उनकी जिंदगियों को दोबारा आगाज कराने के लिए हर मुमकिन मदद को पहुंचाया। अकबरुद्दीन ओवैसी के कारनामों में सबसे बड़ा कारनामा स्कूल्स और कॉलेजेस है। अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत से ही अकबरुद्दीन ओवैसी को अपने कौम के बच्चों की तालीम की फिक्र थी और उन्होंने 1999 में अपने पहले इलेक्शन की तकरीर में एक शानदार स्कूल बनाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी जाती सरफे से 14 तालीमी इदारे कायम कर दिए हैं, जो बेहतरीन मिसाल है। जब बोलता तेलंगाना की टीम ने रिसर्च किया तो पूरे हिंदुस्तान में एमएलए और एमपीज के तो बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी के स्कूलों की इमारतों का क्या कहना, जिसमें वेल क्वालिफाइड टीचर्स, डिजिटल क्लासेस, ऑडिटोरियम्स, लाइब्रेरीज, प्लेग्राउंड, कंप्यूटर्स लैब, हर वो चीज मौजूद है जिससे स्टूडेंट्स इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। लेकिन इन इमारतों को देखकर लोग ये कयास लगा रहे थे कि इन स्कूलों में दाखिले के लिए भारी डोनेशन और फीस देनी पड़ेगी, लेकिन इनके जहनों से ये चीज हटाने के लिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी तकरीर और मस्जिदों से ये ऐलान कराया कि इन स्कूलों में यतीम और मुस्तहिक बच्चों को फ्री तालीम दी जाएगी।
और आज तकरीबन 15,000 बच्चे बगैर किसी मजहब और तफरीक के केजी टू पीजी फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम हासिल कर रहे बच्चे अकबरुद्दीन ओवैसी को सर के लकब से खिताब कर रहे हैं। जब भी कौम पर मुसीबत आती है, अकबरुद्दीन ओवैसी उन्हें तन्हा नहीं छोड़ते और हर मुश्किल वक्त में उनके साथ शाना बशाना खड़े रहते। आपकी क़यादत में रियासत तेलंगाना पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी रियासत है जहां पर माइनॉरिटीज़ का बजट सबसे ज़्यादा 2,200 करोड़ है। रियासत तेलंगाना ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक सा मकबूल और हर दिल अजीज कायद है अकबरुद्दीन ओवैसी। सालारे मिलत के ये सिपाही की अपनी कौम के लिए फिक्र और सोच यहीं रुकने वाली नहीं है। ये था बोलता तेलंगाना का खुसूसी प्रोग्राम सालार के सिपे सालार अकबरुद्दीन ओवैसी। इसके साथ आप अपने दोस्त सैयद मोहम्मद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।